आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी हो रहे हैं 9:30 और अब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। और मेरा खाता हूं मैं आपको आज पूरे ब्लॉग में कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूं। और अभी तो पता नहीं मुझे कि क्या क्या करना है, लेकिन जो भी मैं पूरे ब्लॉग में दिन में करूँगा वो आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बैठा हुआ है हमारा जिमी। हे जिमी, हेलो कर, हेलो कर जिमी, हेलो। देखो जिमी हेलो कर रहा है, और अभी इसको छत पे बांधा हुआ है, सुबह घूम के आ चुका है ये। इसके बाद अब घर पे बंधा रहता है दिन भर, और सुबह एक टाइम खोल दिया जाता है इसको घूमने के लिए। तो अभी मैं ले जा रहा हूँ कील, और कील किस लिए ले जा रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे भैया कर रहे हैं पूजा, जो कि नीम के वाली बाबा जी की एक तस्वीर लाए थे, उनके भक्त हैं, और इसलिए एक अली दो तीन फ़ोटो फ्रेम लाए थे, ये गाड़ी के लिए लेके आए हैं, ले सकते हैं। और मुझे फ़ोटो लगानी है यहाँ पे मंदिर में, मिलता हूँ उससे लगाने के बाद। फ़ोटो लगा दिया यहाँ पे, देखते हैं। फ़ोटो लगा चुका हूँ मैं, अभी मुझे एक फ्रेम और लगाना है, दिखाता हूँ आपको। रहा ये नीम किरोली बाबा जी का, महाराज जी का, और ये भी मुझे लगाना है, देखता हूँ इसको कहाँ पे लगाता हूँ। तो मैंने वो तस्वीर लगा दी है यहाँ पे बाबा नीम किरोली बाबा जी की, और देख सकते हो अब से निकाला था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और वहाँ पे बाबा जी की, नीम किरोली बाबा जी की फ़ोटो लगा दी है, देख सकते हैं आप। और वो फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि मम्मी अभी लहसुन लगाने के लिए जा रही है खेत में, और उससे खेत में लगा के आएगी दोबारा से बीज, दोबारा खेत में लगा के फिर देख सकते हैं। अभी हम खा रहे हैं खाना, खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी हमने आज दाल चावल सुबह ही बना दिया है, क्योंकि दिन में हमें टाइम मिल नहीं पा रहा खाने का, टाइम ज़्यादा लेट हो जा रहा है, 2 से 3 बज जाते हैं। मम्मी और वो खेत से आते हैं, फिर शाम को ज़्यादा टाइम रह नहीं पाता है, इसलिए मम्मी और ने बोला कि सुबह ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में आजकल यही होता है, अब ठंड के दिनों में ज़्यादातर सुबह ही खाना खा लेते हैं, और फिर दिन में मिले ना मिले टाइम, इसलिए सुबह खा के सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। और फिर अब करते हैं, खाते हैं खाना, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। रख रही है खाना वो, और मम्मी रख रही है यहाँ पर खाना, और हम धूप में ही खा रहे हैं खाना, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप आई है बाहर, अंदर ठंड हो रही है, इसलिए बाहर धूप में ही खाएंगे हम खाना। देख सकते हैं चावल और मांस की चेस, और मिलता हूँ आपसे खाना खाने के बाद। खाना पीना हो चुका है, और अभी मैं जा रहा हूँ दुकान में राशन लेने के लिए, वहाँ पे हमारा राशन आ रखा है, जो राशन कार्ड से मिलता है, गेहूँ और चावल और थोड़ा दाल आई है, वही लेके आता हूँ और दिखाता हूँ आपको वहाँ पे जाके। और मुझे नदी क्रॉस करके जाना है उधर, और दिखाता हूँ आपको नदी, ये रही नदी। आजकल तो पानी कम है इसमें काफ़ी, लेकिन बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी रहता है इसमें, और इसी को क्रॉस करके मुझे उधर जाना है।
अंदर आ चुके हैं और मुझे राशन लेने के लिए जाना है जुकानोली पे, और वहीं मिलता है हमें राशन, और दिखाता हूँ आपको जुकानोली। तो अभी मैं, वैसे मैंने एंटर जुकानोली में कर लिया है, नदी के उस साइड हमारा गांव सिरोली है और इस साइड जुकानोली है। ये भी हमारा ही गांव है, एक ही ग्राम सभा है हम लोगों की, पूरी काफ़ी लंबी ग्राम सभा है। और वहाँ पीछे रहा मेरा गाँव जो दिख रहा होगा आपको एक साइड में, और अभी दिखाता हूँ आपको दुकान में जाके। रहा जुकानोली, ये दिख रहा होगा आपको सामने, ये है जुकानोली का पूरा गांव, और ये हमारी ही ग्राम सभा है, पूरा एक ही ग्राम सभा में आते हैं हम। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे छोटे भाई प्रदीप नाम है इनका। जुकानोली, और जहाँ पे हमें राशन लेना है, वैसे तो हम जुकानोली में ही हैं अभी, जहाँ से हमको राशन मिलेगा वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। और यह जुकानोली का मेन रोड सामने, यहीं से हमें मार्केट जाने के लिए भी गाड़ियाँ मिलती हैं, यही मेन रोड है हमारा, बद्रीनाथ से टच है ये रोड, बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रोड यही है। और वे रहा सामने जनरल स्टोर, सामने से लेना है मुझे राशन, ये रही हमारी राशन की दुकान जनरल स्टोर। और यहाँ से मूली का बीज लेके जाऊँगा, देखता हूँ अभी और समझाता हूँ। इसके अलावा बैगन के बीज में एक मटर का बीज, अब जा रहे हैं हम घर को राशन लेके, राशन हमने ले लिया है और अब मिलते हैं आपसे घर पे जाके। क्यों घर पे, और घर के आ रहा था तो यहाँ पे भाई लोग लगे हैं मैक्रोनी बनाने में, दिखाता हूँ आपको मैक्रोनी को आप पूरा तैयार चंदू कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं अब पता नहीं किस तरीके से बना रहे हैं, अलग रेसिपी है इनकी, और देखते हैं। और यहाँ पे मसाले डल गए हैं, ये दिन से हम सोच रहे थे आज बनाने की, लेकिन टाइम मिल नहीं पाया दिन से, तो अभी शाम को टाइम मिला है तो अभी बना रहे हैं। शाम को कुछ इतना तैयार हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है इसमें। इन्होंने इसमें सोया सॉस भी डाल दिया है, देखते हैं कितना टेस्टी होता है यहाँ पे। और अभी लब्बू लगी है यहाँ पे, अभी ये चिली सॉस भी डाल रहे हैं इसमें, मैक्रोनी हो गया तैयार, ये देख सकते हैं आप पूरी तरीके से तैयार कर दिए हैं, हो गई है तैयार मैक्रोनी, और मिलते हैं मैक्रोनी खाने के बाद आपसे। कह रही थी कि तुम मुझे अपने ब्लॉग में लेते नहीं हो, देख रहे हो अभी तो शर्मा रही है ब्लॉग में आने से, देख सकते हैं आप। अभी एक चाचा का कॉल आया है नीचे, उनके घर पे कल उनके लड़के का जन्मदिन है, तो उसकी तैयारी के लिए वो बुला रहे थे, थोड़ा बैलून फुलाने हैं, तो जाते हैं उनके घर पे, और कुछ वो बैलून उन्होंने फुला दिए हैं, तो दिखाता हूँ उनके घर पे जाके आपको।
उनके घर पे, ये है उनका घर और बाकी लोग यहाँ पे शायद मेरे से पहले आ चुके हैं। ओह तो इन्होंने इतनी तैयारी कर दी है, काफ़ी गुब्बारे फुला चुके हैं ये और अभी पूरा कमरा डेकोरेशन करना है। और ये हैं जिनके लड़के का कल जन्मदिन है और लड़का इनका अभी यहाँ पे है नहीं, अभी उसका दूसरा जन्मदिन है कल। जिनके घर पे मैं गया था बर्थडे का डेकोरेशन करने के लिए, तो वहाँ से हम घर पे आ गए हैं और खाना भी खा लिया है और सोने की तैयारी है। और बाकी का डेकोरेशन मैंने इस ब्लॉग में नहीं दिखाया है, जो कि मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।